नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मिस्ट्री स्टोरी। आज बात करेंगे तिब्बत के बारे में। आखिर कहां पर है तिब्बत और किसके कंट्रोल में है? तिब्बत इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द हिमालयस। तिब्बत को जानने के लिए हिस्ट्री में कुछ टाइम पीछे जाना पड़ेगा। लगभग 40 साल तक तिब्बत आज़ाद रहा। ये आज़ादी नाम के लिए आज़ादी नहीं, वास्तविक आज़ादी थी। लेकिन 1949 में कम्युनिस्टों के जीत के बाद हिमालयस के इन इलाकों में हालात बदलने लगे। विवादों के इतिहास के नींव यहाँ से पड़ी। 7 अक्टूबर 1950 की तारीख, हजारों की संख्या में माउंटसेदुंग की सेना तिब्बत में दाखिल हुई। 19 अक्टूबर को चामरू की बाहरी इलाकों में घेराबंदी शुरू कर दी। हजारों की संख्या में सेना तिब्बत में दाखिल होने लगे। उस टाइम के तिब्बती गवर्नमेंट सेना को अंदर आते देख के परेशान हो गए। धीरे धीरे पूरा तिब्बत को अपने कंट्रोल में ले लिए और 8 महीने तक अपने कंट्रोल में रखे। चीन के कब्जे और बढ़ती दबाव के वजह से तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जी एक 17 बिंदु वाले एक विवादित समझौतों पर हस्ताक्षर कर दी, जिससे तिब्बत आधिकारिक तौर पर चाइना का हिस्सा हो गया। लेकिन धर्मगुरु और नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा इस समझौते को अमान्य मानते हैं, क्योंकि ये हस्ताक्षर जबरन जबरदस्त चाइना गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया था। जिस टाइम ये हस्ताक्षर हुआ उस टाइम दलाई लामा सिर्फ 15 साल की उम्र के थे। चीन तिब्बती इतिहास में ये प्रकरण को चीन शांति मुक्ति प्रयास बताता है। लेकिन दूसरे तरफ तिब्बती लोग इसको आक्रमण और कब्जा कहते हैं। हिमालय के उत्तर में बसा हुआ तिब्बत 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से बसा हुआ है। अशांति से भरा हुआ और एक कटा हुआ इलाका है। ये पूरा इलाका परेशानी से भरा हुआ और झटकों से भरा हुआ इलाका है, जिसे चाइना के गवर्नमेंट के द्वारा शासित किया जाता है। 23 मई 1951 को ये हस्ताक्षर किए थे धर्मगुरु दलाई लामा, तभी से इनका बुरा वक्त शुरू हो गया था। चाइना के कंट्रोल में आ गए उस टाइम से इनका परेशानी से भरा हुआ समय चल रहा है। इस दिन को तिब्बत में बहुत दुखद दिन माना जाता है और लोग दुखद दिन की तरह पालन करते हैं। इस दिन ने तिब्बत के लोगों के दिल पर एक घाव दिया हुआ है। चीन के कब्जे से तिब्बत में माहौल बिगड़ने लगा और वहाँ का हालत बहुत बुरा होने लगा। 1956 से लेकर 10 मार्च 1959 तक लोगों का गुस्सा अपने उफान पर था। इस दौरान पहले विद्रोह हुआ और तिब्बत के लोगों ने चाइना के राज को मानने से इनकार कर दिया। विद्रोह बढ़ता जा रहा था, इसमें हजारों लोगों की जान चली गई। 2 हफ्ते तक चलने वाले ये जंग में चाइना जंग को दबाने में कामयाब हो गया। चाइना के सेना बहुत ताकतवर थी, इसलिए तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर इंडिया में शरण लेना पड़ा। चाइना में इस इलाके को खजाना यानी खजाने का घर माना जाता है, क्योंकि तिब्बत के एरिया में प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि लिथियम, यूरेनियम और बहुत सारे पानी पाए जाते हैं। एशिया महादेश में बहने वाले बहुत बड़े नदी यहाँ से आते हैं। ऐसे में जब भी दुनिया में पानी की किल्लत होगी, चाइना के लिए फायदेमंद हमेशा रहेगी। बात 13वीं शताब्दी की है, जब तिब्बत मंगोल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अपनी विजय की बात से साल 1850 के दौर में रूस और ब्रिटेन के बीच मध्य एशियाई पर आधिपत्य जमाने की होड़ शुरू हुई। इसको देखते हुए तिब्बत की सरकार ने अपने देश की सीमा बंद कर दी, यानी विदेशियों के लिए तिब्बत आने में रोक लगा दिया गया। लेकिन साल 1865 में ग्रेट ब्रिटेन ने बड़ी चतुराई से तिब्बत के इलाके पर मैप करना शुरू कर दिया। 2 साल बाद द ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के बीच एक कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुआ। तब ब्रिटेन ने
चाइना से वादा किया चाइना की सरकार के मुआवजे के बदले तिब्बत से जुड़े मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस संधि ने तिब्बत पर चीनी कब्जे की तस्दीक की। आखिरकार अप्रैल 1912 में चीनी सेना ने तिब्बत की अथॉरिटी के सामने घुटने टेक दिए। क्योंकि उस समय चाइना में राजसत्ता का अंत हो गया और रिपब्लिक ऑफ चाइना का उदय हो गया था। जब चीन की सेना अपने देश लौट आई तब दलाई लामा तिब्बत आ गए। दलाई लामा कहते हैं चीन की शासन में 12 लाख तिब्बती लोग मर गए थे। हालांकि चीन इसे इनकार करता है। मौजूदा वक्त में देश से निर्वासित दलाई लामा चीन के साथ एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते रहते हैं।